सब्सक्राइब कीजिए ई पाठा लगे चैनल को, और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक आपका यूज ऑफ शैल बी टू एंड यूज ऑफ विल बी टू इन हिंदी, ये टॉपिक है। अभी हमने इजमआर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लिया, वॉज वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लिया। आज ही हमारा फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इसमें वाला होगा, वाले होंगे, वाली होगी, या को होगा या को होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। अदरवाइज अगर वाला है होता है तो प्रेजेंट हो गया, वाला था होता है तो पास्ट हो गया, लेकिन अगर वाला होगा तो सिंपल सी बात है ये फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर हो जाएगा अगर इसमें ये पहचान आएगी। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि शैल बी और विल बी किन के साथ लगेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आई और वी के साथ ही बस शैल बी का इस्तेमाल होता है बस, बाकी सभी के साथ हमें विल बी का यूज करना पड़ेगा, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो दे हो, चाहे वो यू हो। तो सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से होंगे। इसका एक बेसिक रूल बनेगा कि विल और शैल तो आपको लगाने लगाना है, जो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, देन बी आपको कन्फर्म में लगाने लगाना है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप अभी तक सभी में लगाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मेन ये है कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कौन सी आ रही है, वाला, वाले होंगे, वाले होंगे, वाले होंगे, वाले होंगे, वाली होगी। तो ये सेंटेंस, दीज ऑल आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर, और यहाँ पे वे परीक्षा देने वाले होंगे, तो वे इसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, परीक्षा इसमें ऑब्जेक्ट है, और देना क्रिया है। तो इसके अंदर वाले होंगे तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, दे के साथ विल या शैल, विल, दे विल, और उसके बाद बी लगा हुआ है, बी लगा दिया, दे विल बी, एंड देन देना यहाँ पे क्रिया है तो गिव, टू गिव, और परीक्षा को एग्जाम। तो वे परीक्षा देने वाले होंगे, इसकी ट्रांसलेशन होगी दे विल बी टू गिव एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बोलो या एग्जाम बोलो, बात एक ही है। दूसरा, तुम नई दिल्ली में जाने वाले होगे, तुम सब्जेक्ट है, नई दिल्ली ऑब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, तो यहाँ पे यू विल बी टू गो टू न्यू दिल्ली। दूसरा, हम एक घर खरीदने वाले होंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक घर ऑब्जेक्ट है, खरीदना क्रिया है, तो यहाँ पे वी के साथ तो शैल लगता ही लगता है, आपको बी केयरफुल होना पड़ेगा, एंड देन टू बाय अ हाउस। रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं सेंटेंस, रूल के बाहर कोई सेंटेंस नहीं बना है, ठीक है। दूसरा, रीता गाने वाली होगी, तो रीता सिंगलर है, रीता लड़की है, तो वहां पे रीता विल बी टू सिंग, रीता विल बी टू सिंग। दिस इज योर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की तरफ आए तो नेगेटिव में हम देखेंगे कि इसमें बस हमारा नॉट आ जाता है, और नॉट के लिए बस हमें क्या लगाना पड़ता है, नहीं, नहीं लगा देंगे अगर हम, तो वो हिंदी के वाक्य में नहीं हो जाता है। जैसे अब ये हमारा नेगेटिव का रूल बन जाएगा, विल और शैल के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, बीच में हमने नॉट लगा दिया और देन बी लगा दिया हमने, तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव। जैसे कुछ ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में नंबर वन पे है, तुम जाने वाले होगे, तो यहाँ पे यू, यू के साथ विल एंड देन नॉट बी, नॉट बी बीच में, यू विल नॉट बी टू गो। मैं खाना खाने वाला नहीं होऊंगा, तो यहाँ पे आई शैल बी, आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी टू इट। वे परीक्षा देने वाले होंगे तो दे विल बी, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी टू गिव एग्जाम, ठीक है। तो वह मरने वाले नहीं होंगे, तो ही विल नॉट बी टू डाई, मरना क्रिया है यहाँ पे, तो डू डाई, टू डाई हमने यहाँ लिखा, टू गिव लिखा यहाँ पे, टू ईट लिखा, टू गो लिखा, दीज ऑल आर वर्ब्स। तुम नई दिल्ली जाने वाले नहीं होगे, तो दिस इज योर ट्रांसलेशन विल नॉट टू बी।
विल नॉट बी इसमें इम्पोर्टेंट है, ये देखिए नॉट इन सभी के बीच में लगता है, बच्चे हमेशा इसकी गलतियां करते हैं। सो दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव। अब हम इंटरोगेटिव की तरफ अगर आए तो इंटरोगेटिव में विल और शैल जो है वो आगे आ जाएगा, और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू यूज साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। अगर ये मार्क आपने यूज नहीं करा साइन ऑफ इंटरोगेटिव, क्या में क्या वाले सेंटेंसेस है सारे ये क्या के लिए हम यूज करते हैं, जैसे क्या मैं खाना खाने वाला हूँ, तो मैं खाना खाने वाला होऊंगा तो यहाँ पे शैल आई बी टू ईट, ठीक है, खाने वाला यहाँ पे ईट के लिए है, ठीक है। क्या तुम नई दिल्ली में जाने वाले होगी, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे यू यूज करा, और उसके लिए इससे पहले हमने विल यूज करा, विल यू बी टू गो टू न्यू दिल्ली। क्या हम घर खरीदने वाले होंगे, तो यहाँ पे क्या आया और वी है इसलिए शैल आएगा आगे, शैल वी बी टू बाय अ हाउस, ठीक है। वे गाली देने वाले होंगे, क्या वे गाली देने वाले होंगे, तो यहाँ पे विल दे बी टू अब्यूज। अकॉर्डिंग टू रूल बन रहे हैं, आप देखेंगे इसमें रूल अगर आपने विल और बी सब्जेक्ट से पहले एक साथ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही बी लगेगा इसमें। दूसरा है, क्या रीता गाना गाने वाली होगी, रीता सब्जेक्ट है तो विल रीता बी टू सिंग, ठीक है, तो गाना यहाँ पे क्रिया है इसलिए सिर्फ एक ही बार सिंग लगा, ठीक है। सो दिस इज योर टॉपिक एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स, यू हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ।